प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सबसे बड़ी अदालत ने मानकों से बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए, आधार का समर्थन करने वाले आंकड़े होने चाहिए, जिनकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, केंद्र सरकार समीक्षा की अवधि तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपने लिए गए पहले फैसलों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रमोशन में आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। कोर्ट अपनी तरफ से इसके लिए कोई पैमाना तय नहीं करेगा। उच्च पदों में प्रतिनिधित्व का एक तय अवधि में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये अवधि क्या होगी, इसे केंद्र सरकार तय करे। कुल मिलाकर यही है कि फिलहाल 2006 के नागराज फैसले और 2018 के जरनैल सिंह फैसले में रखी गई शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने ढीला नहीं किया है। केंद्र और राज्यों से जुड़े आरक्षण के मामलों में अधिक स्पष्टता के लिए 24 फरवरी से सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया। आपदिक समीक्षा के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आंकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र और राज्य इस बात का आंकलन करें कि उनके पास कितने रिक्त पद हैं, जिन पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। दरअसल साल 2018 में जो फैसला आया था, उससे राज्यों को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद SC ST को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति मिली थी। लेकिन उसके बाद भी राज्य फैसले में स्पष्टता के अभाव में आरक्षण लागू नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र ने कोर्ट से स्पष्टता और थोड़ी रियायत की प्रार्थना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो उस फैसले को दोबारा नहीं ओपन करेगा, जिसमें कहा गया है कि SC और ST को रिजर्वेशन में प्रमोशन दिया जाएगा। ये राज्य को तय करना है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने कई राज्यों की ओर से ये कहा गया था कि SC और ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने में कुछ बाधाएं हैं, जिन्हें देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा था कि वो इस बात को साफ करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का नागराज और जरनैल सिंह से संबंधित वाद में दिए गए फैसले में वो दोबारा नहीं जाना चाहते। उन फैसलों को दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। 2006 में आए नागराज से संबंधित वाद में अदालत ने कहा था कि पिछड़ेपन का डेटा एकत्र किया जाएगा। ये भी कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। सरकार अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को देखेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में आदेश दिया था कि राज्य SC ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने को बाध्य नहीं है। हालांकि अगर कोई राज्य अपने विवेक से ऐसा कोई प्रावधान करना चाहता है तो उसे क्वांटिफिएबल डेटा जुटाना होगा, ताकि पता चल सके कि समाज का कोई वर्ग पिछड़ा है और सरकारी नौकरी में उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य इस बात का आंकलन करें कि उनके पास कितने रिक्त पद हैं, जिन पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।